हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, जी सर। ओके। पीएच चेंज एज़ द कॉज ऑफ टूथ डीके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दांत लोगों के सड़ जाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि खाना खाने के बाद हम उसको अच्छे से वापस साफ़ नहीं करते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे। तो जो खाना है वो जब हमारे दांतों पे लगा रह जाता है तो कुछ बैक्टीरियाज जो है वो आपके दांतों पे आके रहने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उनका फूड हो जाता है। अब पूरी रात जब वो वहाँ पे रहते हैं तो वो जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज जो अपनी सलाइवा रिलीज़ करते हैं वो एसिडिक होती है। तो उसकी वजह से आपके दांतों की पीएच कम होने लगती है, एसिडिक हो जाती है, और फिर धीरे धीरे दांत जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, खाना खाने के बाद आप अच्छे से एक बार दांत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। उसका दांतों को साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है। तो अगर आपके दांतों पे कुछ एसिडिटी आ भी गई है, क्रिएट हो भी गई है, तो टूथपेस्ट की वजह से वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि टूथपेस्ट इज़ अ बेसिक सब्सटेंस। ओके, इज़ इट क्लियर? हेलो, यस सर। आया समझ में? आया? चलो फिर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, दो केमिकल वॉरफेयर। टाइम है अभी तो, टाइम लगेगा 20-25 मिनट। केमिकल्स का यूज़ करके, एसिडिटी का यूज़ करके प्लांट्स और एनिमल्स खुद को कैसे बचाते हैं, तो उसके एग्जांपल देखो, हनी बी। हनी बी खुद को बचाने के लिए स्टिंग करती है, स्टिंग यानी डंक मारती है। तो जब वो डंक मारती है तो उसमें से, उसके शरीर में से एक एसिड रिलीज़ होता है जो आपकी बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ पे भी उसने डंक मारा होगा, जहाँ पे भी काटा होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होने लगेगा और बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। हाँ, एक बार मैंने काटा था ना, तो उन्होंने, जब मैं सिकुड़न गया तो उन्होंने क्या नाम है, चाबी को लेके वहां पे ऐसे ऐसे करा था, तो वो हाँ क्यों करा था? बताता हूँ। तो एसिडिक चीज़ है, और अगर आप चाबी लेते हो तो चाबी एक मेटल है, काफ़ी टाइम से वो चाबी पड़ी होगी, मतलब वो उस पर ऑक्साइड की लेयर भी बन गई होगी, यानी वो एक चीज़, एक तरीके का मेटल ऑक्साइड है। और कल मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, समझाया था? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। तो अगर उसने, जो हनी बी ने अगर काटा है, तो उसने एसिड रिलीज़ किया है आपकी बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेसिक चीज़ उसके ऊपर एक तरीके से रगड़नी होती है। बेकिंग सोडा का एक पेस्ट बना के अगर आप लगा दो वहाँ पे, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, उसी वक्त आपकी जलन मिट जाएगी। उसके अलावा एक
नेटल लीव्स होती है एक प्लांट की, नेटल लीव्स, उसके जो कांटे होते हैं उसमें भी एसिड होता है, तो जिसकी वजह से जैसे ही अगर आप उस पेड़ के कांटेक्ट में आते हो तो उसके बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं वो आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और उसमें से एसिड रिलीज होता है, मिथेनॉइक एसिड, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। जो चींटी काटती है, एंट जो काटती है, उसमें भी मिथेनॉइक एसिड होता है। ओके, तो उसकी वजह से जलन होती है, तो आप कोई बेसिक चीज़ उसके ऊपर अगर लगा दोगे तो वो जलन मिट जाएगी। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, डू यू नो, मैं वो आपको समझाता हूँ। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, जो अभी मैंने आपको समझाया, नेटल, इट इज़ अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोस इन द वाइल्ड। ये ऐसे ही हर जगह ग्रो नहीं होता है, जंगल में ही ग्रो होता है, आसपास घने पेड़ पौधे होने चाहिए, वहीं पे ग्रो करता है। उसके बहुत पतले पतले ये नीडल हेयर्स होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कांटे हैं, अब बिल्कुल लीफ ही आपको दिखेगा, इतने पतले होते हैं। तो जैसे ही आप उसको टच करोगे तो आपके शरीर में एसिड रिलीज होगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए, अब जंगल में हो आप, जंगल में कोई आपको बेकिंग सोडा तो मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी नेटल ग्रो होता है उसी के आसपास एक डॉक प्लांट आपको मिल ही जाएगा। कौन सा प्लांट? डॉक प्लांट। डॉक प्लांट की लीफ को अगर आप उसको अच्छे से पहले रगड़ दो, उसे अच्छे से उसमें से जूस निकाल लो, तो वो जूस बेसिक होता है और आपको जहाँ पे भी वो कांटा लगा है नेटल का, वहाँ पे अगर आप लगा दोगे तो इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। सो नेचर में हर एक चीज़ की एक तरीके से अरेंजमेंट की हुई है कि आपको जैसे ही कोई एसिडिक चीज़ जहाँ पे मिल रही है बिल्कुल पास में उसके आपको बेसिक चीज़ मिल ही जाएगी। ओके, सो देखो, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट विद वाइल्ड ट्रैकिंग, तो अगर नेटल प्लांट कहीं पे ट्रैकिंग करते हुए आपको लग जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या ढूंढना है, कोई डॉक प्लांट ढूंढना होगा उसी के आसपास जो बेसिक हो। अब ये जो टेबल 2.3 है ये 2 मार्क्स में आ चुकी है लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है, आपको किसी भी 5 चीज़ों का नाम बताना है और उनका एसिड क्या है, उनमें कौन सा एसिड है वो भी बताना है, कोई भी 5 चीज़ों का, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखो, विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड, ऑरेंज, साइट्रिक एसिड। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब, इमली, टैमरिंड मतलब इमली, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जैलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क यानी दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। एंटिस्टिंग, उसमें मीथनॉइक एसिड होता है। और नेटल स्टिंग, ये जो पौधा है जिसमें से एसिड आता है उसमें भी मीथेनोइक एसिड होता है। एंड हनी भी, उसमें भी मीथेनोइक एसिड होता है। इन अ स्टिंग ऑफ हनी भी, उसमें ही मीथेनोइक एसिड। चलो, समझ में आ गया। अब इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, जो ब्लू लाइन क्वेश्चंस है ना, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? कौन सी कंडीशन में ये 3 चीजें यूज करेगा अपनी सॉइल को ठीक करने के लिए? ये तीनों चीज़ें बेसिक हैं,
क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों चीज़ें बेसिक हैं। ये बेसिक चीज़ें वो कब यूज़ करेगा, फार्मर कब यूज़ करेगा, जब उसकी सॉइल उसकी सॉइल अगर एसिडिक हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए वो ये बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकता है। ओके, तो फार्मर्स ये हमेशा करते हैं, जब भी उनको कोई, अभी जैसे न्यू प्लांट्स ग्रो करने हैं, सीड्स डालने हैं, तो पहले वो पीएच लेवल चेक करते हैं, जो उनको सीड ग्रो करना है उसके लिए उनको क्या पीएच चाहिए, उस पीएच को सॉइल पे सेट करने के लिए वो या तो एसिडिक या तो बेसिक चीज़ें सॉइल में मिक्स करते हैं ताकि सॉइल की पीएच सेट हो जाए। उसके बाद वो सीड्स उसके अंदर डालेंगे और बाकी पूरा जो प्रोसेस है उसके बाद करेंगे। तो ये सारे अच्छे अब सिस्टम उनके पास होता है अवेलेबल। अगर फिर भी उनको नहीं समझ में आता है तो गवर्नमेंट के उनके हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उन पे वो कॉल करते हैं, तो पूरी एक टीम आ जाती है जो पूरे सैंपल कलेक्ट करके लेके जाती है, सॉइल के उनके आसपास जो ट्रीज़ हैं उनके सैंपल्स लेके जाती है, और फिर पूरा चेक करने के बाद वो उनको बताते हैं कि आपको कौन से प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर्स आपको डालने चाहिए, वो पूरा उनको हेल्प वहाँ से मिल जाती है। ओके, तो फार्मर्स के लिए भी पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, ए की पीएच 6 है और बी की पीएच 8 है, तो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है? सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन ए इज, एसिडिक, ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक, बेसिक। बेसिक। ओके, चलो 3:30 हो गए, तो ये लेक्चर अब हम यहीं तक रखते हैं आज साइंस का। नेक्स्ट टाइम ये ठीक है सर, सॉल्ट्स भाई सॉल्ट से कंटिन्यू थैंक यू सर, करें। भाई सर मम्मी दिलाए। अरे मैं दे तो रखते हैं दोनों, चलते हैं। ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। अभी 5 मिनट के बाद हम सोशल स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्य ऑनलाइन है? यस सर। चैप्टर 2 का तेरे पास है पीडीएफ? सर 2 मिनट में भेजता हूँ, मेरे पास है। हाँ, तो जिसके पास हो मुझे चैप्टर 2 सोशल का पीडीएफ भेज दो। हाँ, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, 5 मिनट में मिलते हैं।